बलरामपुर चीनी है पहला स्टॉक, हेतल शाह होल्ड करती हैं इस शुगर स्टॉक को, 68 रुपए पे खरीदा है, 100 शेयर है उनके पास। सबसे पहले एक स्टॉप लगाइए क्योंकि वो 67 का अगर ब्रेक हो जाए तो एग्जिट कर लीजिए। हाँ, लेकिन मुझे लगता है स्टॉक है बेसिकली स्ट्रक्चर वीक, इसलिए निकलने का मौका मिलता है तो 72-73 में निकल जाइएगा, प्रॉफिट मिल जाएगा। ग्रेफाइट इंडिया आसिफ जी के पास है ये, 70 शेयर, 862 में खरीदा है। कॉन्ग्रेचुलेशन, 1000 की तरफ तो चला गया, और क्या चाहिए आपको। होल्ड कीजिए स्टॉक, 960 का एक स्टॉप लगाइए लॉक इन करने के लिए प्रॉफिट, अगर टर्न होता है तो कम से कम प्रॉफिट तो लॉक हो जाए, और होल्ड कीजिए। कहां तक जाएगा कहना मुश्किल है, लेकिन अपसाइड ऑन है। एक बार 1000 क्रॉस कर ले और उसके ऊपर क्लोज मिलता है तो एक बढ़िया क्षेत्र हो जाता है। पीसी ज्वेलर, बहुत नुकसान सुशील कुमार जी को हो रहा है, इन्होंने पीसी ज्वेलर जो है 340 के लेवल्स पर खरीदा था प्रकाश जी, और अब पूछ रहे हैं क्या करना चाहिए, 300 शेयर होल्ड करते हैं, बहुत मोटा लॉस। इनको तो एग्जिट करना चाहिए, इतना जब नुकसान हो तो उसमें होप नहीं करना चाहिए, एग्जिट सिंपल। अगर अच्छा होता स्टॉक तो इतना गिरता ही नहीं, इसमें इनका तो बीच में बायबैक भी इन्होंने विड्रॉ कर लिया, तो खुद खरीदना नहीं चाहते खुद का स्टॉक तो आप क्यों खरीदते हो, निकल जाइए पीसी ज्वेलर से। HPCL है अगला स्टॉक, सूरत से प्रशांत का सवाल, 750 शेयर है, 259 इनकी बाइंग प्राइस है। पर शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए, अदरवाइज लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखा जाए तो 300 का भी जोन देखने को मिल सकता है मीडियम टर्म के हिसाब से, लेकिन मेरे हिसाब से प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए एक बार, और लेना है तो लोअर लेवल पे ले सकते हैं फिलहाल, क्योंकि इसका बेसिक स्ट्रक्चर डाउन है और एक्सपेंशन कॉन्ट्रेक्शन होते हैं, अब एक्सपेंडेड मोड पर है, इसलिए प्रॉफिट बुक कर लीजिए। बैंक ऑफ इंडिया, बालचंद्र कामरे लेख जी का सवाल है, 500 शेयर है इनके पास, 91 रुपए की खरीद। 91, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन, होल्ड कीजिए, बेचने की जगह कुछ 100 के आसपास है, वहां पर थोड़ा रुक सकता है। UPL पुणे से एकनाथ होल्ड करते हैं, 3000 शेयर, 657 रुपए में खरीदा था इन्होंने, होल्ड कीजिए। UPL में लगता है बॉटम आउट हो चुका, अच्छा आपको मिला, लगता है कि 700 की तरफ चला जाएगा, वहां पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। मर्क इलेक्ट्रिक मुंबई से प्रदीप होल्ड करते हैं, 125 शेयर, 45 रुपए पे खरीदा है इन्होंने, होल्ड कीजिए, कॉस्ट के आसपास निकलने का मौका मिलेगा, अब लगता है कि लोअर लेवल से एक बाउंस मिला है, शायद एक 42-45 ये एक जोन है, वहां पर मिलेगा नौकर, ऐड मत कीजिएगा लेकिन होल्ड कर सकते हैं। अदानी ग्रीन पटना से इकबाल कुरैशी का सवाल, 1650 शेयर है, 33.29 रुपए की खरीद है, तो स्ट्रक्चर पॉजिटिव, और हमेशा मैं देखा है कि एक लिस्टिंग के बाद अच्छा आपको मिला है तो लॉक इन करने के लिए प्रॉफिट लगा दीजिए कुछ 48 का, और टर्न हो जाता है तो प्रॉफिट लॉक कर लीजिएगा, अदरवाइज होल्ड करते रहिए। अवंती फीड्स रांची से अनिल जी पूछ रहे हैं, 300 शेयर है, 714.61 रुपए में अनिल जी ने अवंती फीड्स को खरीदा है, लगता है कि शायद लोअर लेवल्स में रुक जाए, अगर रुक जाता है तो अच्छी बात है, एक स्टॉप लगाइए करीब 378 का और होल्ड कीजिए, अगर अपू मिलता है तो शायद कॉस के आसपास निकलने का मौका मिले, लेकिन है स्ट्रक्चर वीक, ये तो बात बतानी पड़ेगी आपको। नुकसान भी काफी हो चुका है यहाँ पर वैसे तो। ICICI बैंक राहुल यादव जी के पास है, और ये है, इन्होंने इसे खरीदा है 267 के लेवल्स पर, 500 शेयर है इनके पास ICICI बैंक के, होल्ड कीजिए, मुझे लगता है 300 का जोन भी देखने को मिलेगा, आज बैंकिंग क्षेत्र न्यू कीर्तिमान पर है, होल्ड कीजिए, बढ़िया लगता है स्टॉक ICICI बैंक। हिंदुस्तान कॉपर मुंबई से राकेश मिस्त्री होल्ड करते हैं, 100 शेयर, 100 रुपए ही इनकी खरीदी रही है, अब यहाँ पर होल्ड करना चाहिए और सबसे पहले एक स्टॉप लगाइए करीब 53 का और होल्ड कीजिए, अब वो मिल सकता है, 100 रुपए तो बहुत महंगा है लगता है, लेकिन 60-70 के बीच में शायद एक मौका मिले निकलने का, होल्ड कीजिए फिलहाल। ठीक है, होल्ड कीजिए, थोड़ा स्टॉक फटाफट यहीं पर हम